खबर बरेली मीरगंज से। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय में टीचर किस हद तक गिर जाते हैं ऐसा सोचा न गया। वहीं सरकार विद्यालयों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है उनके काबिल बनाने के लिए, वे कुछ टीचर उसमें पलीता लगाने पर उतारे। शिक्षा के मंदिर को अय्याशी का अड्डा बना डाला। ऐसा हम नहीं, गांव के जिम्मेदार लोग कर रहे हैं, जिसमें प्रधान, ग्राम सदस्य, एसएमसी अध्यक्ष आदि शामिल हैं। तहसील मीरगंज के विकास क्षेत्र फतेहगंज पश्चिम के उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक मामला सामने आया, जहां पर टीचर की पीएमसीएम महानिदेशक सीडीओ बीएसए वे उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई है। आपको बता दें कि शनिवार को ग्राम पंचतौर के 300 से अधिक लोग पंचायत सचिवालय पर एकत्रित हुए और टीचर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से शिकायत की कि ग्राम पंचतौर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में इंचार्ज अध्यापक व सहायक अध्यापक विद्यालय समय बच्चों के सामने गलत सलत हरकतें करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जब बच्चे इसकी शिकायत अपने घर जाते हैं तो वे अपने अभिभावकों से इसकी शिकायत करते हैं। जब अभिभावक दोनों टीचरों के पास शिकायत लेकर आते हैं, दोनों टीचर द्वारा अभिभावकों से अद्र भाषा अपतर्जित अमर्यादित व अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्कूल कोई काम समय से नहीं हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हो रही है, स्कूल में रखा राशन दोनों टीचर चुपके से बेच देती, कोई भी काम इनके द्वारा ना हमें पता चलता है ना ही प्रधान को पता चलता है, बच्चों को बाहर निकाल देती है, थोड़ी देर रुकती है फिर चली जाती। माया देवी एसएमसी अध्यक्ष उच्च प्राथमिक विद्यालय पश्तौर, जो दो टीचर हैं नेतपाल और निधि सक्सेना, विद्यालय कमरे में बंद कर लेते हैं और समय से पहले स्कूल की छुट्टी कर देते हैं। इनकी शिकायत करने के लिए सभी इकट्ठा हुए, इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करेंगे। दोनों टीचर स्कूल से आटा ले जाते हैं, कमरा बंद करके एक दूसरे की कोरिया भर लेते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सतवीर कक्षा 7 का छात्र इसी विद्यालय का अधिकारी, सोमवार को इसकी स्थायी जांच कराई जाएगी। जांच के उपरांत जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मामला असंज्ञान में आया, जांच की जाएगी, जो भी आरोपी होगा निष्पक्ष जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई है तो उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा। अभी मैं कुछ भी जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूँ, एबीएसए कार्यालय जा रहा हूँ, बाद में बात कर लेना। विधि सक्सेना उच्च प्राथमिक विद्यालय पश्तौर। सही है, खाना बताओ, दूध मिल रहा है? नहीं, पढ़ाई को लेकर कोई समस्या आ रही है आपको? आपको खाना पीना किसी तरह की कोई दिक्कत आती है? कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? तो यहाँ जो क्लास में किस तरह की दिक्कत आती है आपको? एक तो मुझे क्लास में आया बात करता था फोन पर, खाना भी ना मिलता ढंग से। तो आपकी टीचर कौन है? निधि मैडम। तो आपसे क्या कहती हैं वो? क्या कहती हैं वैसे का कहते चेकिंग वाले आमा जा कह दियो पढ़ाते बहुत हैं। अच्छा, आपसे मतलब चेकिंग वाले आते आपसे कहती हैं पढ़ाते बहुत हैं, है ना? तो आपको खाना उन्हें मिलता है? नहीं मिलता है। मिलता है खाना? किस तरह की दिक्कत आती है आपको? आपको मारती हैं? कौन सा विद्यालय है ये? विद्यालय का नाम बताइए। नहीं, आप पढ़ते हैं तो आपको विद्यालय का नाम नहीं पता? आपको पढ़ाती नहीं है? नहीं, आप जो यहाँ अच्छा पूरे दिन बात करती हैं, बच्चों को पढ़ाती नहीं है, और क्या कहती हैं आपसे कि अगर कोई चेक इन वाला आए तो उनसे कहते हैं हमें पढ़ाते हैं? चलिए, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? आपके टीचर का नाम क्या है? निधि। तो वो आपको किस तरह की दिक्कत आ रही है? आपको फोन पे बात करते रहती हूं। फोन से आपको पढ़ाती नहीं है? नहीं। क्या आपको मारती भी है? ग्राम में जाएंगे भाई, होगा। तो मीडिया के माध्यम से आप क्या चाहते हैं? ये जो है खबर पहुंचना चाहिए दूर दूर तक। आप यहाँ क्षेत्र के प्रधान हैं, है ना? और आप इस क्षेत्र के प्रधान हैं, तो उसमें मतलब किस तरह का संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश जब पहुंचेगा तभी ये लोग सुधरेंगे। प्रकरण कब से चल रहा है? 2016 से। इस तरह का है फिलहाल, जब आपने बताया उसी समय हमने खंड शिक्षा अधिकारी को बता दिया है, और ये मौके पे जाके सोमवार को जो है इसकी जांच करेंगे। जांच करने के बाद जो है जो
तथ्य सामने आया रहता है उसके अनुसार आवश्यक जो वहाँ के बच्चे हैं उनका आरोप यह है कि वहाँ अनाज जो होता है कई बार बच्चों को खाना नहीं खिलाया जाता है और वो अनाज जो है निधा सक्सेना पे आरोप लगाया कि वो लेके जाती है। नहीं, अनाज जो लेके जाने का है ये पूरी इसलिए गलत है कि अनाज ले जाने और अनाज रखने का काम वहाँ के प्रधान का होता है। हमारे टीचर्स का सिर्फ इतना काम होता है कि अकाउंट बच्चे कितने आए हैं वो बता दें और खाना गुणवत्तापूर्ण बन रहा है उसका चेक कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, JK न्यूज़।